मॉर्निंग टू ऑल। सो बिफोर क्लास रे हमें पढ़ी थी पोटेंशियोमीटर कौन एंड पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल भी कौन पढ़ी थी तार कंस्ट्रक्शन विषय जानी थी एंड मुझे से बिफोर क्लास रे जी यार आम पोटेंशियोमीटर दुईटा एप्लीकेशन अच्छी तो फर्स्ट एप्लीकेशन कौन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल एंड सेकंड एप्लीकेशन हूँ टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो बर्तमान आम दुईटा प्राइमरी सेल नहीं ईएमएफ को कंपैरिजन करवा तो ये हूँ कौन पोटेंशियोमीटर सर्किट पिले है सर्किट रे ए जंक्शन एंड बी जंक्शन भितर आम कौन गोटे बैटरी की रियोस्टेट को कनेक्ट कर सो से बैटरी ईएमएफ अच्छी की एंड टर्मिनल ए को तुम ईएमएफ सहित कनेक्शन कराई बैटरी सहित कनेक्ट कराई पॉजिटिव टर्मिनल सहित एंड एंड बी तो तुम रियोस्टेट सहित कनेक्ट हो तो बर्तमान एंड ए रु मु कम कली दुईटा ईएमएफ नेली ई वन एंड ई टू व्हिच इज जॉइंड विथ ए टू वे की। व्हाट आर दिस कीज ए एंड बी आर टू वे की। तो जंक्शन पॉइंट सी को आम कौन कर गोटे रेजिस्टेंस बॉक्स एंड गाल्वानोमीटर द्वारा कनेक्ट कर जॉकी है तो आम कंपैरिजन केमती करिबा ना जेतोळे की एठे की के को मु क्लोज करूची ताहले स्टेडी करंट फ्लो हबो थ्रू आउट द सर्किट सर्किट देखि तमरो स्टेडी करंट फ्लो हबो हेले तमरो स्टेडी करंट जदि फ्लो होची कुहाइतिला पोटेंशियोमीटर रो प्रिंसिपल कौन कुहाइतिला जे इफ ए स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और द वायर देन द पोटेंशियल ड्रॉप व्हिच इज हेल्ड इनसाइड द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर लेंथ सहित से कौन हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम पोटेंशियल ड्रॉपटा। तो बर्तमान जो की के को क्लोज करुच्चे पोटेंशियोमीटर सर्किट रे तुम करेन्टा फ्लो हो समय कौन करी की ए ए जो पॉइंट दिखाई ए आउ सी भितर जो की अच्छी से रेजिस्टेंस बॉक्स गोटे रेजिस्टेंस को बाहर करी की ए रे मु कोन करबी इंसर्ट करबी जेतर की ए इंसर्ट करू छी सेय समय बी को मु कोन रखी छी ओपन रखी छी हले बी जो पजंत ओपन अछि ताहले सेय पजंत तमरो सेटे पोटेंशियल ड्रॉप मिलिवो नाही एले ई टू द एक्स अफ रहिबो किंतु जेतर की ए रे रेजिस्टेंस बॉक्स रो गोटे रेजिस्टेंस आन की मु इंसर्ट करेली ताले संगे संगे एई की टा तमरो कोन हे गला क्लोज हे गला। तो क्लोज जदी हला निश्चित भाबे ईएमएफ E1 जोड़ा कि फर्स्ट सेल नियाई पोटेंशियल ड्रॉप मिलिबो एज यू नो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L सो E1 लिखी इज इक्वल टू K L1 बोली लिखी L1 टा कौन द मेजरिंग लेंथ फॉर व्हिच द गाल्वानोमीटर शोस द नल डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी वायर इज स्लाइडिंग ओवर द वायर हला और मांगानिन वायर और कॉन्स्ट्रक्टर वायर हला तो के डा कोन पोटेंशियल ग्रेडिएंट बोली कहली आपको इक्वेशन नंबर 1 देली देन मु कोन करबी जो की टा को मु ए रे तमरो कोन करची इंसर्ट करैथिली रेजिस्टेंस बॉक्स रो बाहर करकी बर्तन ताको ओपन कर देबी मींस की ए को ओपन करबी बी और सी भितरे जो की टा रहिची से की रे मु कोन करबी रेजिस्टेंस बॉक्स रो रेजिस्टेंस टा को इंसर्ट करैबी ताले जदी बी रे की टा को क्लोज करा होची ताहले कहा रे की पोटेंशियल ड्रॉप मिलिबो ई2 देकी मिलिबो किंतु से समय ई1 टा कोन हबो एस सच ओपन रहबा जको ए की टा ओपन रहबा जको सेटा हमर पोटेंशियल ड्रॉप मिलिबो नाही ताले सेई जगह रे मु कोन लिखिबी ई2 इज इक्वल टू के एल2 बोली लिखिबी मेजरिंग लेंथ को लेंथ पे तमरो पोटेंशियल ड्रॉप मिलिबो एल2 लेंथ पे तो ये हला तमरो कोन के एल2 असला केटा होची तमरो पोटेंशियल ग्रेडिएंट बर्तमान आमे कोन करबा कंपैरिजन करबा लिखिबी इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 केता सिबो e2 by e1 equal to k l2 by k l1 हला कैंसिल हला कोन आसला l2 by l1 आसला दिस इंप्लाइज e2 by e1 equal to l2 by l1 एंड दिस इंप्लाइज e2 equal to केता सिबो l2 by l1 into e1 सो एटा हमें कंपैरिजन रे कोन पाइले जे द्वितीय को ईएमएफ रो कंपैरिजन ता होची रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द वायर हला सो एठे हमें कोन करि परबा जदी कोनोसे गोटे अननोन ईएमएफ अछि से अननोन ईएमएफ रो ईएमएफ टा को हमें कैलकुलेशन करि परबा हला ये हला कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। नेक्स्ट टाइम हमें पढिबा डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस
of the cell by using potentiometer. तो केमती करिबा एस सच आमे गोटे पोटेंशियोमीटर सर्किट ड्रा करिबा को पड़िबो हमको. जेमती कि हमें ईएमएफ कंपैरिजन करबा पई पोटेंशियोमीटर सर्किट ड्रा करथिले सेमती ही हमें गोटे सर्किट ड्रा करबा पोटेंशियोमीटर सर्किट. ये हला हमर कोन इंटरनल रेजिस्टेंस सेल रो मेजरमेंट करबा पई हमर ये होची सर्किट. सो देखो एटा मो कोन कली गोटे पोटेंशियोमीटर सर्किट नै छी जार एंड ए बी को मो कोन कर छी गोटे बैटरी की रियोस्टेट द्वारा कनेक्ट करी छी एंड एंड ए रे गोटे सेल नली जो सेल को गोटे गाल्वेनोमीटर द्वारा विथ ए जॉकी पॉइंट द्वारा कनेक्ट करी छी एंड गोटे रेजिस्टेंस बॉक्स एंड की के2 द्वारा मो कनेक्ट करी छी सेल रो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल सहित. हला वर्तमान देखिबा जेतले की के1 इज क्लोज मो कहिबी इफ के1 इज क्लोज्ड जेतले के1 टा क्लोज्ड होची देन स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. हला वर्तमान नामर स्टेडी करंट या देखि फ्लो होची वर्तमान मु कहिबी जे की के2 ओपन अछि लेखिबी इफ के2 इज ओपन की K2 जदि ओपन हला ताले कोनोसी मते हमर पोटेंशियल ड्रॉप एटे मिलिबो नाही. जदि पोटेंशियल ड्रॉप मिलुनी ताले निश्चित हमे हमर से कोन मिलिबो ईएमएफ मिलिबो. ताले काहे की ओपन थिले ईएमएफ मिले बोली हमर पढ़ी छे. सो E इक्वल टू मो कोन लिखबी K L1 बोली देबी. हला तार फर्स्ट मेजरिंग लेंथ केते रेबी L1 आकु इक्वेशन नंबर 1 करू छी. त लिखबी इफ K2 इज क्लोज्ड जदि के2 कीटा को क्लोज कर देबी ताहाले केमिति हबो रेजिस्टेंस बॉक्स रु रेजिस्टेंस गोटे इंसर्ट करबी ताहाले के2 कीटा कोन हला क्लोज हे गेला. जेतले क्लोज हबो एटे कोन मिलिबो पोटेंशियल ड्रॉप मिलिबो. हेले पोटेंशियल ड्रॉप ता केतले बजन मिलिबो ना जेतले के पजंत की हमर गाल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देखे नथिबो से पजंत पोटेंशियल ड्रॉप मिलथिबो. जदि नल डिफ्लेक्शन देखे देला तार मेजरिंग लेंथ पई हमें पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बट पोटेंशियल ड्रॉप ता पाई दिबा. सो v इक्वल टू कोन लिखिबी k l2 बोली नेबी इक्वेशन नंबर 2 हला. सो ये हला तमरो कोनो जेतले की ओपन रहउची ईएमएफ मिलुची जेतले की क्लोज रहउची हमरो पोटेंशियल ड्रॉप मिलुची सेल रे. हला तो वर्तमान इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करिम ताले कोन आसीबो ई बाय वी इक्वल टू के एल1 बाय के एल2 केता आसीबो कैंसिल हला पोटेंशियल ग्रेडिएंट हमरो एल1 बाय एल2 आसला. तो हमरो गोटे रिलेशन थिला ईएमएफ सहित इंटरनल रेजिस्टेंस रो रिलेशन थिला कोन जानि जे एस इक्वल टू आई इनटू आर प्लस आर हला एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर फार्मूला थिला. हला ताहाले आमे कोन करिबा एही दिटिया को वैल्यू को हमरो इक्वेशन 3 रिपोर्ट करिबा. हला लेखि देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स इक्वेशन 3 बिकम्स ई जगह लिखी भी I into R plus R
भी जगह लिखी आई आर इक्वल टू एल वन बाय एल टू सो आई आम कैंसिल हला आर प्लस आर बाय आर इक्वल टू एल वन बाय एल टू हला एंड दिस इंप्लाइज आर बाय आर प्लस आर बाय आर इक्वल टू एल वन बाय एल टू दिस इंप्लाइज वन प्लस आर बाय आर इक्वल टू एल बाय एल वन बाय एल टू एंड दिस इंप्लाइज आर बाय आर इक्वल टू एल वन बाय एल टू माइनस वन ताले कितना आसला आर बाय आर इक्वल टू एल वन माइनस एल टू बाय एल वन सो दिस इंप्लाइज इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर इंटू एल वन माइनस एल टू बाय एल वन सो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ये हला हमर कोन पोटेंशियोमीटर रो दुटा एप्लीकेशन जोने कि हमें दुटा प्राइमरी सेल रो ईएमएफ को कंपैरिजन करले एंड गोटे सेल जहा को कनेक्ट करी जे एक्स्ट्रा सेल गोटे ने कि कनेक्ट करी जे पोटेंशियोमीटर रे जहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करी परले हला नेक्स्ट हमें पढिबा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट माने कोन ना तमरो ना रो ही बुझी पडछो हीटिंग इफेक्ट कहिले कोन हीटिंग इफेक्ट रो अर्थ होची जेतोले कि कोनोसी गोटे सर्किट रे हमरो करंट फ्लो हुए सेही समय रे करंट ता पास हबा जोगु सर्किट ता कोन हुए हीट हुए सेही प्रोसेस ता को हम कोन कहबा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोली कहबा हेले से सर्किट हीट प्रोड्यूस हला केमिति हला ना जेतोले कि कोनोसी गोटे सर्किट रे हमरो करंट फ्लो होची सही समय रे इलेक्ट्रॉन गुड़ा को मु कही थी जे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन कहा था ना इलेक्ट्रॉन गुड़ा को सब दिन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आड़ को मूवमेंट करती एंड लोअर टू हायर को मोशन करवा समय रे से माने कौन करेंगे स्लो वेलोसिटी रे मोशन करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स सो से इलेक्ट्रिक फोर्स देवा जो से जेहेतु लोअर टू हायर आड़ को मोशन करती पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आड़ को मोशन करती से ही समय से भितर कौन हुए चार्जिंग कंडीशन रे थिबा समय रे कोलिजन हो जाए तो जेहेतु से इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक फ्री इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक कोलाइड करती से थिपाई से कोलिजन जो से द्वारा हीट टा प्रोड्यूस हुए से हीट को आम कौन कहवा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोली कहवा तो किंतु से समय कौन हुए जो इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक मोशन करुछन्दि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल को सही समय जो हीट की एक्स्ट्रा हीट टा प्रोड्यूस हो जाउछि किंबा आमे कहिबा जो एडिशनल वार्डन होजी जो वार्डन टा की हीट रे कन्वर्ट करे एंड इलेक्ट्रिक करंट आकार रे सर्किट रे फ्लो हुए हाँ तो से एडिशनल वार्डन जो तमरो हीट टा प्रोड्यूस होजी हला तो देखिबा केते अमाउंट रो हीट हमरो प्रोड्यूस होजी सर्किट रे देखिबा हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर पढ़ू जमे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हला तो लिखिबी लेट एच इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर W is the amount of work done additional work done which is done to move the free electrons from lower potential to higher potential then according to joule W इक्वल टू जे एच तो साइंटिस्ट को जूल बाहर करथिले सेति पई ताको अनुसार जति के एडिशनल अमाउंट ऑफ वार्डन ता होबो से वार्डन ता को से केते बोली देखेले जे एच बोली देखेले व्हाट इज जे जे इक्वल टू W बाय एच व्हिच इज कॉल्ड द जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड इट्स वैल्यू इज जे इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी
or if we convert in SI system, jodi CGS re convert kariba 4.2 into 10 to the power 7 or per kelvin assume in CGS system hala or mu likhi paribi as likhibi since therefore w equal to ami kon janile jh boli janile likhibi this implies h equal to w by j. So amount of heat produced inside the conductor is equal to 1 by j times the additional work done which is held inside the conductor hala to bartan dekhiba mu lekhibi let v is the potential difference across the two ends of the conductor I is the amount of current flowing through the conductor T is the time taken then W equal to then W equal to V I T kemti asila as you know that ami janithile since V equal to W by Q boli janithile pile this implies W equal to V Q hala since Q equal to I T formula therefore W equal to V I T hala ye hala tamaro amount of current amount of water therefore H equal to kete asibo V I T by J. So this is the amount of heat produced inside the conductor. बर्तमान याकु ने कि अबे कौन करीबा? According to Ohm's law जहतु जान चे V equal to I R. Therefore H equal to कौन आसे वो पिले? I R into I T by J. That is H equal to I square R T by J. ये है ना amount of heat produced inside the conductor. सो याकु ने कि अमर जूल कम बाहर कले जूल्स लॉ बाहर कले तो जूल कर तीनटा लॉ रहिछि कम कण जूल्स करंट लॉ जूल्स रेजिस्टेंस लॉ एंड जूल्स टाइम लॉ से इक्वेशन को ने कि आमे लेखिबा जूल्स करंट लॉ कण रेजिस्टेंस लॉ कण एंड जूल्स टाइम लॉ कण हला Joule's law of heating effect of current. So first law number kono Joule's current law. So what is Joule's current law? Joule's current law states that the amount of heat developed inside the conductor. Is directly proportional to the square of the current flowing through the conductor when resistance of the conductor and the time of flow of current remains constant tale mu lekhibi h is directly proportional to I square bol lekhibi kie constant rebo r and t amara constants rahibo hala se kohji kono jeti ki amount ro heat produce hochi se heat ta tamaro square of current sahita directly proportional rahibo jetoli conductor resistance and the time of flow of current ta कांस्टेंट रहिबो नेक्स्ट हो जी जूल्स रेजिस्टेंस लॉ जूल्स रेजिस्टेंस लॉ कोनो जूल्स रेजिस्टेंस लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन अमाउंट ऑफ करंट एंड टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट रिमेंस कांस्टेंट ताहले कि बी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर व्हेन आई एंड टी आर constants next joule's time law what is joule's time law joule's time law state that the amount of heat produced inside the conductor is directly proportional to the time of flow of current when amount of current and resistance of the conductor remains constant ta likhibi h is directly proportional to t when I and r are constants hala Like we combining these three equations,
H is directly proportional to I square RT. This implies H is equal to 1 by J into I square RT, where J is the constant known as Joule's equivalent of heat. हला ताको हमें कौन कहले जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोली कहले मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोली कहिबा हला एंड एच इक्वल टू हमें कौन पाइले आई स्क्वायर आरटी बाय जे पाइले हला सो ये हला हमर कोन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट हमें पढ़िबा जे इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलरेडी हमें पढ़ी छे पोटेंशियल चैप्टर रे सेठी कहाइतिला कोन इलेक्ट्रिक एनर्जी माने कोन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव एन चार्जिंग पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. कोनसी गोटे चार्जिंग पार्टिकल को कोटे मूव करिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड रे मूव करिबा पे जति की अमाउंट रो वाटर दरकार पड़े से अमाउंट ऑफ वाटर टाको ही आमे तारो एनर्जी बोली कहिबा हला. सो एनर्जी इक्वल टू हमरो फार्मूला नेबा वी इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू W equal to V Q formula ने भी X Q equal to I T therefore W equal to V I T formula ने भी. So this is the electric energy. SI system रे energy रे unit हो ची joule and CGS रे unit हो ची हमारा arc. ये है ला electric energy. है ला next है सिला electron volt. So electron volt माने कौन the amount of water which is required to move an electron inside the electric field. Electric field भीतर कौन से गोटे electron को move करिबा पाए जेति की amount रो water दरकार पड़े ताकु आमे तारो electron volt बोली कहिले. जेहेतु formula थिला W equal to VQ तो एठे Q जगह मु कौन लिखबी E बोलने भी that is the charge of the electron. Charge of electron therefore W equal to कहता सिबो E into V. तो ईवी माने अमर ई माने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इनटू वी तो 1 वोल्ट जदि नेबी हां केते आसीबो 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल आसी जोडा की वो अमाउंट ऑफ वाटर दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल. आको हमें ऑर्ग रे मध्ये कन्वर्ट कर परबा आसीबो 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 इनटू 10 टू पावर 7 that is equal to 1.6 into 10 to power minus 12 और भला हला समिति हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मध्ये नै परिबा 10 to power 6 करिवो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू MeV जहा को कहजे 10 to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज जूल रे जदी कन्वर्ट करिबा इनटू 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल हला तहले 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 13 जूल हबो. जो दे और पे कन्वर्ट कर छु 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 13 इनटू 10 टू पावर 7 हबो दैट इज 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 6 और हबो हला. ये हला तुमरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट पढिबा इलेक्ट्रिक पावर. सो इलेक्ट्रिक पावर माने कोन द रेशियो बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर टू टाइम पीरियड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर और rate of change of water is known as electric power. Rate of water is known as electric power. तो power को हमें P बोली symbol दो ची P equal to W by T. लेकिन since W equal to V I T, therefore P equal to कितने लिखी भी V I T by T ने भी that is kata asla v into i asla. so p equal to kata asche amara vi formula asche again ame aku mathematically define kar paliba the product of potential difference and amount of current flowing through the conductor is equal to its electric power hala. so si system re yara unit hochi power re unit hochi watt ja ko ame symbol w boli douche like bhi if v equal to 1 volt i equal to 1 ampere then like if p equal to 1 watt will be therefore maybe 1 watt equal to 1 volt by 1 ampere
एंड दिस इंप्लाइज 1 वोल्ट पर एम्पियर हला सो गोट वाट को हम केमती डिफाइन कर परबा इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द कंडक्टर और द सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट यदि कोनो समय सर्किट देखि 1 एम्पियर करंट ड्यू टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हुए तले सेही कंडक्टर पावर को हम कोन कहबा 1 वाट बोली कहबा हला तो हमर डिफरेंट बिगर यूनिट्स गुडा को रहिछि सो बिगर यूनिट्स गुडा को कोन 1 एचपी एचपी माने कोन हॉर्स पावर तो कते 746 वाट हला 71 किलोवाट इक्वल टू 10 टू पावर 3 वाट 1 मेगावाट कहले 10 टू पावर 6 वाट हला सेंती यार स्मॉलर यूनिट मध्ये अछि लेकिन भी 1 मिलीवाट 10 टू पावर माइनस 3 वाट 1 माइक्रोवाट 10 टू पावर माइनस 6 वाट दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स नेक्स्ट हमें पढ़िबा तर सीजीएस यूनिट सीजीएस यूनिट होची हमरो ऑर्ग पर सेकंड सो हमें फार्मूला जान छी पी इक्वल टू वी आई लेकिन इफ वी इक्वल टू 1 स्टार्ट वोल्ट आई इक्वल टू 1 स्टार्ट एम्पियर नहीं परबा हला सो एड हम लिख परबी रियली सॉरी एठी हमें 1 वाट माने 1 वोल्ट पर एम्पियर लिख दे छे एटा हबो 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पियर रियली सॉरी ये हबो 1 वोल्ट एम्पियर हला सो एठी हमें v इक्वल टू 1 स्टार्ट वोल्ट i इक्वल टू 1 स्टार्ट एम्पियर ने की हमें करि परबा और मध्ये फार्मूला ने भी p इक्वल टू हमरो wt फार्मूला ने भी wt फार्मूला लेले हमरो कोन आसीबो लेकिन इफ w इक्वल टू 1 ऑर्ग t equal to 1 second then p equal to amra asibo 1 org per second therefore 1 org per second is equal to 1 org by 1 second hala so electric power of the circuit is said to be 1 org per second if 1 org amount of work is done for 1 second hala देन हमर फार्मूला अछि हमें कम पढ़िले p इक्वल टू vi बोली जानिले मु लिखिबी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इक्वल टू ir देयरफॉर p इक्वल टू कोन लिखिबी ir इनटू i बोल लिखिबी दैट इज i स्क्वायर r हला सो लिखिबी p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इफ i इक्वल टू कांस्टेंट केतोले कांस्टेंट हबो जेहेतु i टा सीरीज i सीरीज कनेक्शन रे रहिले तमरो कांस्टेंट हबो जदि सर्किट टारे तमरो पढ़ी सीरीज कनेक्शन रही से सर्किट रो पावर टा रेजिस्टेंस सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो एंड करंट टा तमरो कांस्टेंट रहिबो सेमती मु लेखिबी p इक्वल टू vi फार्मूला हला सो मु लेखिबी एस पर फार्मूला v इक्वल टू ir सो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू v / r देयरफॉर लेखिबी p इक्वल टू v इनटू v / r हला ताले केते आसला p इक्वल टू v स्क्वायर / r आसला एंड दिस इंप्लाइज हमरो आसीबो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लेखिबी सिंस v इक्वल टू कांस्टेंट और को केते बडे कांस्टेंट हबो पैरेलल कनेक्शन पै कांस्टेंट हबो और हाउस कनेक्शन पै कांस्टेंट हबो हला सो ये हला तमरो कोन p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r दैट इज पावर जदि सर्किट रे बढुची त रेजिस्टेंस कमीबो हबो कमीजिबो एंड रेजिस्टेंस ग्रेटर हले पावर टा स्मॉलर हेजिबो ये हला तमरो हाउस कनेक्शन पै ये हला तमरो सीरीज कनेक्शन पै सेटा हाउस कनेक्शन किबा पैरेलल कनेक्शन पै सो एठा हमें सारीले पूरा टोटली यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमर एडे सरी गला एंड समस्ते
बुझी जाइ थिबो मटेरियल भी आमे मु सप्लाई कर देछि तमरो।